राजधानी दिल्ली में आखिरकार बादलों का दिल पसीजा है और उसके बाद एक लंबे इंतजार को देकर दिल्ली में एनसीआर में जोरदार बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश के लिए दिल्ली वालों को लंबा इंतजार करना पड़ा। आमतौर पर राजधानी दिल्ली में मॉनसून जून के अंत में यानी 28 से 29 जून तक आ जाता है, लेकिन इस बार ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया और लगभग आधा जुलाई बीत जाने के बाद ये बारिश हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये बारिश में देरी हुई है, 2002 में ऐसा हुआ था, यानी कि 19 साल बाद इतनी देर से राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि राजस्थान से भी कम बारिश का फॉल यहाँ पर था, लेकिन आखिरकार अब बादल बरस रहे हैं, झूम कर बरस रहे हैं। लोग इस बारिश का आनंद ले रहे हैं, उन्हें गर्मी से राहत मिली है और आखिरकार राजधानी झमाझम बारिश से तरबतर हो गई है। हालांकि इसके साथ दूसरी समस्याएं भी आती हैं, जैसे ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्याएं, लेकिन फिलहाल दिल्ली वाले उसे भूलकर इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, एनसीआर के इलाके फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल तक, सोनीपत तक अच्छी बारिश हो रही है और लोगों के लिए ये बड़ी राहत लेकर आई है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, M1 Prime, दिल्ली।